हूँ ये जो एक्सप्रेशन वाला मसला में फंसे हुए थे, उस मसले का एक दोस्त ने तो हल निकाल लिया, लेकिन बाकी लोग जिन्होंने उस पर टाइम नहीं लगाया, या अगर आप जल्दी में हैं और आप वो वाला उतना फार्मूला, कोई मिसाल के तौर पर लंबा एक्सप्रेशन हो जाता है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो था ये तो छोटा सा एक्सप्रेशन था, ठीक है, इसमें चार पांच ऑपरेटर थे, इसी तरह अगर कोई लंबा एक्सप्रेशन होता है तो आप अगर ये चाहते हैं कि आप वो एम्बिग्युटी जो है ना कि अच्छा यार ये पहले चलेगा या वो पहले चलेगा, इसको अगर एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उसका तरीका इन्होंने यहाँ पर बताया है। मिसाल के तौर पर ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर प्रेसिडेंस ज़्यादा किसकी है, मल्टीप्लाई की है, ठीक है, तो 3 × 4 होगा और प्लस हो जाएगा 1 उसमें, तो 13 इसका आंसर आएगा इस तरह करने से। लेकिन अगर किसी को मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंस का नहीं पता या प्रेसिडेंस वो भूल जाता है, जैसे ये वाले तो बहुत ऑब्वियस ऑपरेटर हैं, लेकिन कुछ ऑपरेटर तो बहुत रेयरली यूज़ होते हैं, जैसे नॉट का ऑपरेटर हो गया, एक्सप्रेशन बहुत रेयरली यूज़ होता है वो, या इसी तरीके से जो एक्सपोनेंट का जो हमने पढ़ा था लास्ट, तो 2 × साथ में लगाओ तो वो एक्सपोनेंट बन जाता है, ठीक है, इसी तरह कैप साइन है पावर का जो ऑपरेटर है, तो वो वाले सारे ऑपरेटर जो अगर आपके एक्सप्रेशन में आते हैं तो जाहिर है मे बी आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है। डॉक्यूमेंट तो स्टिल है आपके पास, लेकिन बार बार डॉक्यूमेंट में जाके देखना भी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अगर किसी ने गलती से इस तरफ से शुरू किया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 13 की जगह कुछ और आएगा, क्या आएगा, 4 × 4 × 16, तो 13 और 16 दो डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसने कहा कि भाई एक तो तरीका ये है कि आपको असूलन पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंस किसका क्या है, अच्छा, लेकिन इसका एक तरीका और ये भी है कि आप क्या करें, आपको ये काम पहले करवाना है ना, आप चाहते हैं ये पहले हो तो आप इसको ब्रैकेट में पैक कर दो, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट ये पहले होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे कोई मेरा केस ऐसा था कि जिसमें ये दोनों को पहले करवाना था, कुछ था ऐसा केस, होता है समटाइम ऐसा केस कि यार पहले जो है मैंने सब जगह से पैसे इकट्ठे किए और फिर उसको मल्टीप्लाई किया कहीं इन्वेस्ट करके, इस तरह का भी केस हो सकता है, तो उस केस में पहले मुझे प्लस करवाना होगा तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूंगा, ठीक है, वो इसने बताया कि यार ऐसे ब्रैकेट में डाल दो उसको। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास कोई बड़ा एक्सप्रेशन है, 2 × है, अब आपको ये नहीं समझ आ रहा कि इन दोनों मल्टीप्लाई की तो प्रेसिडेंस सेम होती है, अब दोनों में से पहले कौन होगा, उसने कहा भाई एक को ब्रैकेट में डाल दो, मसला ही ख़त्म हो जाएगा, तो एक को ब्रैकेट में डाला, ये वाला पहले होगा, उसके बाद जो है फिर वो जो बचेगा वो उससे ये वाला हो रहा होगा, फिर आगे सो ऑन। तो आप एक ब्रैकेट यहाँ लगाया, एक यहाँ भी लगा दो, केयर इस प्लस को पहले कर लेना, तो जो भी जिस हिसाब से आप प्रेसिडेंस चाहते हैं, अभी इसने नीचे और भी एक लगा के बताया हुआ होगा कि दोनों जगह ब्रैकेट लगाया हुआ ऐसे करके कि भाई पहले ये करो फिर जो बच जाए उसके साथ ये वाला करो, 2 ब्रैकेट लगाइए, ऐसे भी लगा सकते हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं कि पहले इसको करो फिर इसको करो और फिर बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो इसका जो रिजल्ट होगा और इसका जो रिजल्ट होगा दोनों का आपसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इस तरह से आप एम्बिग्युटी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या एज अ प्रोग्रामर आपको ये बात पता होती है कि आपने अचीव क्या करना है। मिसाल के तौर पर आपको ये पता होता है अगर आप एक ऐप बना रहे हैं, कर्जा लेने वाली ऐप, तो कर्ज वाली जो ऐप है उसमें आपको पता है कि अच्छा एक बंदा होगा वो किसी से कर्ज लेगा, ठीक है, वो अपने पास नोट करेगा, फिर वो कर्ज तो कब प्लस होगा कब माइनस होगा कब मल्टीप्लाई और कब डिवाइड होना चाहिए उसमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ये आपको पता होता है। मैथ का रूल जो भी है वो एक अलग बात है, लेकिन कब क्या होना चाहिए आपको कॉमन सेंस में आपको पता ही होगा, तो उसको प्रोग्राम कैसे करना है उसमें ये आपको हेल्प आउट करेगा। जावास्क्रिप्ट किस लिए मौजूद है, उस चीज़ को जो रियल सिनेरियो है जो आपको पहले से पता है उसको प्रोग्राम करने में आपको हेल्प आउट करता है, ठीक है। अच्छा, ये तो कुछ चलो जेन्युइन से केस है, एक कॉमन सेंस की बात है कि भाई कर्जे की ऐप है तो आमतौर पर कर्जा लेन देन चलता रहता है, लेकिन अब एक कर्जे की ऐप है कि इस्लामिक कर्जा ऐप है, उसमें शरीयत के रूल के अकॉर्डिंगली कर्जा लिया और दिया जाता है, ये जो प्रॉफिट्स वगैरह जो होते हैं वो शरीयत के रूल के हिसाब से होते हैं, ठीक है, तो अब शरीयत में ये चीज़ तो नहीं हो सकती कि यार आप मिसाल के तौर पर 1,00,000 रुपए मैंने आपको उधार किराए पे दे दिए, बैंक यही कहते हैं ना, बैंक कहते हैं कि यार ये इको इसमें लगा हुआ है ना, इको को मैं ज़रा नहीं यार इको नहीं लगा हुआ, पता नहीं क्यों इको कर रहा है। बैंक वाले क्या लॉजिक लगाते हैं, जो सूदी कारोबार हमारा मुल्क पूरा सूद पे चल रहा है, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए। जितने भी हमारे बैंक्स हैं, कुछ तो इस्लामिक बैंक है वो थोड़ा सा उन्होंने मामलात को कंट्रोल में रखा हुआ, लेकिन जिन बैंक्स ने अपने साथ इस्लामिक नहीं लगाया हुआ वो तो टोटली सूद पे चल रहे हैं। और इवन दो कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट पूरी दुनिया से कर्जे लेती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, चाइना बैंक, पता नहीं कौन कौन से और हैं, तो इन सब से जो कर्ज़ा लिया जाता है ये सूद की बुनियाद पर लिया जाता है, ठीक है, वो कर्ज़ा जब तक हम रखते हैं अपने पास वो जब तक उस पर प्लस होता रहता है एक परसेंटेज सर्टन,
ठीक है, तो वेल बैंक वाले इस पे ये लॉजिक लगाते हैं कि यार एक घर है ना, मिसाल के तौर पे 1 लाख का घर है, वैसे तो 1 लाख का कोई घर नहीं होता, लेकिन एक मिसाल के तौर पे 1 लाख का घर है, 1 लाख का घर आपने किसी को किराए पे दिया, उससे आप 1,000 रुपये किराया लेते हैं महीने का, तो कह रहे हैं हम भी तो यही कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम 1 लाख के घर की जगह ना 1 लाख कैश दे देते हैं, तो ये कैश हमने आपको किराए पे दे दिया और इस कैश का किराया आपसे ले रहे हैं हम महीने के 1,000, जब तक ये आपके पास रहेगा आप 1,000 हमें देते रहोगे, ठीक है। लेकिन जब आप किसी को घर देते हैं किराए पे तो ये शरीयत में हलाल है, जब किसी को आप नोट देते हैं, नोट की गड्डी 1 लाख की और उसका किराया लेते हैं तो ये हराम है, ये सूद है, ठीक है। अब वो माइंड गेम खेलते हैं, कहते हैं यार कुछ भी नहीं है, मौलवियों ने पट्टी पढ़ाई हुई है, ये तो कुछ भी नहीं होता ऐसा, है ना। अब ये क्यों है ऐसा, इसके फिर पीछे पूरे दलाइल हैं और फिर इसका इकॉनमी पे क्या असर पड़ता है वो है, तो पूरा एक लॉजिक है। अच्छा, तो क्या कह रहा था मैं और मैं भूल गया, हाँ, तो इस्लाम में अगर आपको ये वाला काम करना है ना तो उसके लिए मुजारबत एक तरीका मौजूद है, उसके लिए मुशारकत एक तरीका मौजूद है, ठीक है, इक्वल एफर्ट्स पुट करें आप। अच्छा, अब आप मिसाल के तौर पर ऐसी कोई ऐप बना रहे हैं, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के परस्पेक्टिव में, तो कोई ऐसी ऐप बना रहे हैं जो शरीयत को कंप्लाइंस करती है, तो आपको तो नहीं पता वो सारी चीज़ें, ठीक है। हो सकता है मैंने जो अभी 2 जुमला बोला ये भी आपके लिए सरप्राइजिंग हो, हालांकि होना नहीं चाहिए, एज अ मुस्लिम आपको ये बातें पता होनी चाहिए, लेकिन जाहिर है हर किसी का एक्सपोजर नहीं हो पाता, इसीलिए मैं कोशिश भी करता हूँ कि क्लास पढ़ाते के दौरान थोड़ा एक्सपोजर आपको जो मुझे पता है वो चीज़ें आपसे शेयर करता रहूँ, ठीक है, क्योंकि आप सैलानी के इदारे में पढ़ रहे हैं और सब लोग अब मुसलमान हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे शेयर करते रहना चाहिए, आपसे भी कभी सीख लेता हूँ, कभी आपको सिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपके पास एक अदर डोमेन एक्सपर्ट होता है, ठीक है, अगर ऐसी कोई ऐप आप बना रहे होंगे तो एक कोई मौलाना साहब आपके साथ होंगे, अच्छा मौलाना भी साहब वो जो इस फील्ड के हैं, है ना। आमतौर पर हमारे यहाँ तासुर होता है कि तमाम मौलवी जो एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं है, हर मौलाना साहब का, हर मुफ्ती साहब का एक फील्ड होती है। कंप्यूटर साइंस में भी एक बंदा AI का है, एक बंदा वेब डेवलपर है, एक बंदा जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो हैं तो सारे कंप्यूटर में, हैं तो सारे IT में, लेकिन क्या सारे एक जैसे हैं? नहीं। जो AI का बंदा है वो पूरे दिन काली स्क्रीन पर बैठ के 0-1 खेलता है ना, उसका एक आंसर आता है 0 point something, वो उसका रिजल्ट होता है, उसको देख के वो खुश होता है। अब उससे आप कहेंगे कि मेरे फेसबुक के लिए वो पोस्ट तैयार कर दो एक ग्राफिक में, वो तो नहीं कर सकता, उसका कर लेगा शायद लेकिन उसका काम नहीं है। हो सकता है आपको, आप ज़्यादा जिद करें तो आप कैनवा खोले, कैनवा खोल के कुछ आड़ा तेड़ा कुछ करके आपको बोले यार हो गया, है ना, लेकिन वो उसका काम नहीं है, उसका काम है AI। उससे आप AI वाला काम कराएं, वो बहुत मज़े से करेगा और अच्छा भी लगेगा उसको, और वो अच्छे से करके भी देगा, आपका मसला भी हल करेगा, ठीक है। तो सारे मौलवी, सारे मुफ्तियाने कराम जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, हर किसी की एक स्पेशलिटी होती है, हर किसी की एक फील्ड होती है, ठीक है। कुछ लोग शादी के एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग जो है वो फाइनेंस के एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग जो है वो, जैसे अभी इस्लामिक बिजनेस स्कूल सैलानी ने शुरू किया है, तो उसमें वो तमाम जो लोग हैं वो शरीयत के कंप्लाइंस के साथ बिज़नेस को पढ़ रहे हैं, बिज़नेस की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास कोई ऐसे मौलाना साहब होंगे जो इस फाइनेंस के एक्सपर्ट होंगे, मे बी उन्होंने ये मदरसे की पढ़ाई भी की हो, मे बी उन्होंने कोई फाइनेंस की डिग्री भी की हो कहीं से, ताकि उनको एक्सपोजर हो ज़्यादा, ठीक है। तो आपके पास कोई ना कोई डोमेन एक्सपर्ट होगा। इसी तरीके से आप अगर कहीं पे हॉस्पिटल में चलाने के लिए कोई ऐप बना रहे हैं, तो हॉस्पिटल का जो मैनेजर होगा, जो जाहिर है हॉस्पिटल में पर्ची कटती है, लाइन लगती है, फिर डॉक्टर के पास जाने से पहले वाइटल साइंस चेक होते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ पे एक स्क्रीन होगी, फिर डॉक्टर के पास से निकल के फार्मेसी पे जाता है, वहाँ एक स्क्रीन होगी, तो ये पूरा एक कनेक्टेड सिस्टम अगर आप बना रहे हैं, तो इसमें आपके पास एक तो हॉस्पिटल का मैनेजर होगा जो पर्ची वर्ची कटने वाले मसले सारे देखता है, दूसरा आपके पास एक डॉक्टर होगा जो एक्चुअल में पेशेंट को देखता है। डॉक्टर आपको ये बताएगा कि जब मेरे पास पेशेंट पहुंचे ना, तो ये जनरल चीज़ें ये पहले से आप ले लो, भाई वाइटल साइंस में क्या लेना है, सिर्फ टेम्परेचर लेना है, ब्लड प्रेशर लेना है, या साथ साथ सीटी स्कैन भी करके लाना है ना, ये तो आपको नहीं पता, आप तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, किस प्रॉब्लम में क्या होता है, अगर बंदे ने सिम्टम पे अगर हेडेक पे चेक लगा दिया तो उसका एक और एडिशनल वाइटल साइंस है ना, ये सारी डिटेल, ये तो आपको नहीं पता एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो इसमें आपके पास एक डॉक्टर होगा। अच्छा, अगर वो ऐप ऑपरेशन थिएटर में भी चलती है तो आपके पास एक OT टेक्नीशियन भी होगा एज अ डोमेन एक्सपर्ट, ठीक है। आप अगर एविएशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपके पास एविएशन का कोई एक एक्सपर्ट होना चाहिए, या तो वो रिटायर्ड पायलट होगा कोई, या जो भी एविएशन में देखता है, मुझे इतना एविएशन का पता नहीं है कि वहाँ कैसे मामला चलाए जाते हैं, ठीक है। अगर बैटल फील्ड के लिए बन रहा है, बहुत ही क्रिटिकल किस्म का कोई सॉफ्टवेयर बैटल फील्ड, तो सारे वो मेजर जनरल कर्नल आपके पास होंगे, 4-5 का पैनल होगा पूरा, वो उनसे डिस्कस करके वो बनेगा सॉफ्टवेयर। तो डोमेन एक्सपर्ट जो है हमारे पास हर फील्ड में
होते हैं। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो कोई ना कोई उस सॉफ्टवेयर का जो डोमेन एक्सपर्ट होता है वो हमारे पास होता है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई डोमेन एक्सपर्ट नहीं होता तो आमतौर पर छोटे बिजनेसेस के लिए जब हम काम करते हैं तो बिजनेस का ऑनर हमारे साथ बैठा हुआ होता है, वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि अच्छा यार ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इसको फुलफिल करना है। जैसे कोई शॉप है उसके लिए मैं ऐप बना रहा हूँ तो उस शॉप का ऑनर मुझे बताएगा कि मेरा प्रॉब्लम ये है और ये मैंने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, और एज अ एंटरप्रेन्योर, ये तो वो हो गया ना कि कोई आया है आपके पास। एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि लोगों की प्रॉब्लम ना जो लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो होती है और सबसे ज़्यादा सॉल्व करने की जो ज़रूरत है ना वो उसी प्रॉब्लम को होती है जो लोग फील नहीं कर रहे कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अनफुलफिल प्रॉब्लम, यानी लोगों ने फुली उसको फील नहीं किया कि दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। लोग कहते हैं ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, हम तो ऐसे ही करते आ रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि अच्छा यार इसको भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उसने थोड़ी पढ़ी है। कोई बंदा अगर दुकान खोल के बैठा हुआ है दूध दही की, उसने थोड़ी पढ़ी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो उसको पॉसिबिलिटीज पता होंगी कि अच्छा यार ये जो मैं ऐसे करके काटता हूँ ना टोकन प्लास्टिक के, ये ब्लॉकचेन पे भी हो सकता है, उसको थोड़ी पता ही, वो तो आपको पता है। तो एज अ एंटरप्रेन्योर ये प्रॉब्लम आपको कोई आके बताता नहीं है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो प्रोडक्ट बनाता है और लोगों को सेल करता है, जैसे कि ऊबर, फूड पांडा, करीम, ये जिन लोगों ने बनाई है ये एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और अपने सराउंडिंग की जो प्रॉब्लम है ना उसको आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रेक्टिफाई करता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। यानी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर का एंटरप्रेन्योर मैकेनिकल में भी हो सकता है। अब मैकेनिकल का एंटरप्रेन्योर क्या होगा, गाड़ी बनाएगा वो भाई। पहली दफ़ा जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब गाड़ी बनी थी ना तो वो फोर्ड वालों ने मेरे ख्याल बनाई थी, तो उससे हेनरी फोर्ड नाम था बंदे का। तो उससे किसी ने पूछा कि यार आपने जो गाड़ी बनाई आपको कैसे आइडिया आया, तो कह रहा है बस किसी से पूछा नहीं था मैंने, कोई आया होगा आपके पास बताने के यार मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए। उसने कहा किसी से पूछा नहीं था, क्योंकि अगर उससे पहले घोड़े चलते थे, घोड़ा गाड़ी चलती थी, है ना, हैच लगा के पीछे और आगे घोड़ा या गधा या जो भी होता था उसको चला रहे होता था। तो कह रहा था अगर मैं घोड़ा गाड़ी वाले से पूछता ये बात कि यार तुम्हें और बेटर क्या हो सकता है, वो कहता है यार मुझे कोई अच्छा घोड़ा दो अच्छे नस्ल का जो तेज़ भागे, या मेरे हैच के अंदर नीचे कोई ऐसे स्प्रिंग लगा दो कि जो ये धड़धड़ दर्द होता है ना ये ख़त्म हो जाए, यही बोलता था सर। उसको तो पता ही नहीं है ना कि मैकेनिकल में अच्छा इंजन भी बन सकता है, उसको तो नहीं पता। हालांकि उस वक्त इंजन मौजूद थे, जब हेनरी फोर्ड ने गाड़ी बनाई थी इंजन उस वक्त मौजूद थे, ट्रेन वगैरह में शायद इस्तेमाल होते होंगे या मैकेनिकल जो जो इंडस्ट्रियल यूजेस में लेते होंगे उसको। स्टीम इंजन तो बहुत पुराना है, गाड़ी तो बाद में बनी है। तो वो एंटरप्रेन्योर ये होता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर उसने एंटरप्रेन्योरशिप दिखाई अपनी और प्रॉब्लम को एब्जॉर्ब किया और एक इन्वेंशन की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो और दुनिया की हर फील्ड में ये होता है। मिसाल के तौर पे कोई सिविल इंजीनियर था, उसने अब्जॉर्ब किया अरे यार जलजला आता है तो गिर जाते हैं सारे, तो उसने सोचा अरे ऐसा घर बनाता हूँ मैं कि जलजले में वो कुछ भी ना हो उसमें, ठीक है ना, सिविल इंजीनियर में। डॉक्टर्स में भी होंगे इस तरह इनोवेशन बहुत सारी हुई हुई हैं, और भी हज़ारों डॉक्टर में भी नैनो चिप वगैरह की बात हो रही है कि वो ब्लड में डाल देंगे नैनो चिप, वो घूमता रहेगा मोबाइल में, वो वाइटल साइंस पूरे बताता रहेगा कि ब्लड में इस वक्त क्या चीज़ कितनी है, है ना। एक दफ़ा इंजेक्शन से वो डाल देंगे, वो ब्लड के साथ साथ पूरे घूमेगा सब जगह, छोटा सा नैनो चिप होगी, नैनो रोबोट होगा एक, और मोबाइल खोलेंगे आप मोबाइल में देखेंगे अच्छा यार ये मेरे ब्रेन में ऐसे गुजरा था तो वहाँ पे फोटो खींच के भेज रहा होगा ब्रेन के जहाँ से ब्लड गुजर रहा है, तो ब्लॉकेज कहीं पे होगी तो पता चलता रहेगा, है ना। तो वो लेकिन वो आपका काम नहीं है, वो डॉक्टर कोई करेगा, या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन होगा कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हो साथ में डॉक्टर भी हो, तो वो ये करेगा। अच्छा, तो अब जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो किसी दूसरी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का नहीं है, ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो कॉमर्स के होंगे, मैकेनिकल के होंगे, सिविल के होंगे, कितने लोग ऐसे हैं जिनका कंप्यूटर साइंस के अलावा किसी दूसरी फील्ड से बैकग्राउंड है, हाथ खड़ा करें ज़रा। तकरीबन हमारे पास 40% के करीब ये तादाद है, चलो नीचे कर लो। अच्छा, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है ये कि आप लोग निस्बतन उन लोगों के जो बैकग्राउंड जिनका कंप्यूटर साइंस का है उनकी निस्बत आपके लिए एक एडवांटेज है कि आपका कोई ना कोई डोमेन एक्सपर्टी भी है थोड़ी। अच्छा, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि आप सबकी जो एज है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने कोई इंटर किया होगा या ग्रेजुएशन चल रहा होगा आपका अभी। अगर किसी भी दूसरी फील्ड में तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा आपका, ऐसा नहीं है कि हमने किसी दूसरी फील्ड में पीएचडी की भी है। लेकिन एक छोटा सा एक एडवांटेज है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ
कि आपकी एक डोमेन एक्सपर्टी है, तो आज से ही आपने ये सोचना शुरू कर देना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग अभी शुरू की है हमने, तो आज से ही आपने ये सोचना शुरू कर देना है कि आप जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, उस फील्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या उन प्रॉब्लम्स को सॉफ्टवेयर के ज़रिए रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह जब कोर्स ख़त्म होते होते जो है ना आपके जहन में, क्योंकि जितनी जल्दी सोचना शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप ऑब्जर्व करेंगे, है ना, जब तक कोई प्रॉब्लम पता नहीं होती ना आपको नज़र नहीं आती, अब जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आप जब गली मोहल्लों से गुजरेंगे, जब डिफरेंट जगहों पर आप देखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नज़र आनी शुरू हो जाएगी।